आइए गाइस इसे कैसे ड्रॉ करते हैं सीखते हैं। पहले हमें पेज के यहाँ पे बीच में सर्कल ड्रॉ करके लेना है, और उसके बाद हमें ऑयल पेस्टर्स कलर चाहिए। सो आप देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे इधर से इधर तक और इधर से इधर तक पिंक कलर देंगे, और उसके बाद हम रेड कलर देंगे, और उसके बाद लाइट वायलेट देंगे। पहले हमें पिंक कलर देना है। इधर से इधर तक हमें ये पिंक कलर देना है। तो हमें कलर देते वक्त ये से देना है, हमें पूरा डार्क नहीं करना है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे रेड देना है। पूरा इधर से इधर तक, हाँ इतना। और हमें कलर देते समय एक ही साइड से देना है। तो आप देख सकते हो रेड देने के बाद हमें ये कलर देना है लाइट वायलेट। हमें ये इधर से और इधर से फुल देना है। ये कलर हम डार्क दे सकते हो क्योंकि ये लाइट है। अब हमें ये टिश्यू पेपर से स्प्रेड कर लेना है। तो देखिए गाइस मैंने यहाँ पे इसे शेड कर लिया है। तो अब हम फिर से डार्क करके शेड करेंगे टिश्यू पेपर से, और उसके बाद हम यहाँ पे लीव, एक ट्री और एक बर्ड ड्रॉ कर लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसे और फिर से एक बार डार्क कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे ट्री ड्रॉ करके उस पे बर्ड ड्रॉ करेंगे। सो गाइस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, तो अब मैं इसे डार्क कर दूंगा, ये बर्ड को भी डार्क करूंगा। तो डार्क करने के लिए मैं ब्लैक कलर का यूज करूंगा, और हमें फुल डार्क करना है कुछ ऐसे। आप मेरा वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। देखिए गाइस मैंने यहाँ इसके पीछे का हाफ कवर निकाल लिया है, और इससे मैं इसे एकदम आसानी से कर सकता हूँ, और इससे ये बर्ड डार्क करूंगा। सो गाइस आप सब देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये डार्क कर लिया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे स्मॉल लीव ड्रॉ किए, मैं उसे स्केच पेन से या ऑयल पेस्टर से डार्क कर दूंगा या पेंट से। सो गाइस आप सब देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लीव ड्रॉ किए पेंसिल से। तो मैं अब ये सर्कल को डार्क कर दूंगा, इसे मैं ब्लैक कलर से करूंगा। तो आप देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पे इसे डार्क कर लिया है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।
थैंक यू।